तो कैसे हैं दोस्तों, अभी हाल ही में 4th of March 2024 को हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया है जिससे मानो जो सत्ता के गलियारे अभी तक हमारे देश के लोकतंत्र का अंतिम संस्कार करने पर तुले हुए थे, अब वही करप्ट पॉलिटिशियंस को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा झटका दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद इंडी अलायंस में मातम छाया हुआ है। एक ऐसा फैसला दोस्तों जिससे अब ये सभी पॉलिटिशियंस पार्लियामेंट के किसी भी कानून या फिर वोटिंग के दौरान किसी भी तरीके का झोल झपाटा करने से पहले 100 बार सोचेंगे। वैसे यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि पिछले एक महीने के अंदर अंदर ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाया गया दूसरा अहम फैसला है, जिसमें अभी पिछले ही महीने सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के इलेक्टोरियल बॉन्ड्स के कानून को बर्खास्त कर दिया था। और अब पार्लियामेंट में वोट्स को खरीदने की रिश्वतखोरी में 2 दशक पहले के पीवी नरसिम्हा राव केस के फैसले को पलटकर हमारे संविधान और जनता के हित में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। तो आज हम सब लोग यहाँ पर मेनली ये समझने वाले हैं कि आखिरकार क्या है हमारे संसद में हो रही इस पूरी रिश्वतखोरी का मामला जो पिछले कई दशकों से चला आ रहा है। और अब तो दोस्तों ऐसा तो कौन सा ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में सुना दिया है जिससे मानो इन करप्ट पॉलिटिशियंस की अब रातों की नींद उड़ गई है। तो आइए इस पूरी कहानी को समझते हैं आज के इस विजुअल में। तो हमारी इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1991 में, जब भारत का 10वां जनरल इलेक्शन पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के एक दर्दनाक हादसे के बीच में हुआ था। May 1991, राजीव गांधी was assassinated by a suicide bomber in Sri Perambudur. In its aftermath, P.V. Narasimha Rao drove Congress to power as India's 10th Prime Minister. और उस टाइम पर टोटल 487 सीट्स के लिए लड़े गए इस इलेक्शन में कांग्रेस ने 232 सीट्स पर अपनी जीत हासिल की थी, लेकिन फिर भी दोस्तों बहुमत की सरकार बनाने के 272 सीट्स के आंकड़े से कांग्रेस काफी दूर थी, जिसके चलते कांग्रेस ने पीवी नरसिम्हा राव जो कि उस टाइम पर माइनर गवर्नमेंट का नेतृत्व कर रहे थे, तो इनको आश्चर्यजनक फैसले के तौर पर देश के अगले प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं। पर इनके टाइम पीरियड के दौरान हमारे देश को काफी सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। पहले तो 1991 में पूरे देश भर में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का कदम उठाया गया था, और दूसरी ओर 1992 में राम जन्मभूमि के आंदोलन ने भी काफी तीव्रता पकड़ ली थी। और इन्हीं सभी चीजों के चलते 26 जुलाई 1993 के दिन CPIM के अजोय मुखोपाध्याय ने पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन के दौरान नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को पेश किया था। वैसे इन अविश्वास प्रस्ताव की भी पूरी जानकारी मैंने कई सारे मेरे पिछले वीडियो में बताई है। तो अब यहाँ पर लोकसभा के टोटल 528 कैंडिडेट्स में से कांग्रेस के पास खुद के अपने 251 वोट्स मौजूद थे, लेकिन अभी भी दोस्तों पार्टी को अपने खिलाफ दायर किए गए इस अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करके एक बहुमत हासिल करने के लिए अभी भी पार्लियामेंट के 13 और सदस्यों के वोट्स की जरूरत थी, तभी कांग्रेस अपनी सरकार को बरकरार रख पाएंगी। और जब 3 दिन तक इस अविश्वास प्रस्ताव पर लगातार चल रही बहसों के बाद 28 जुलाई को इस अविश्वास प्रस्ताव के वोट्स की गिनती की गई, तो इसके रिजल्ट काफी शॉकिंग थे, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस ने 14 वोट्स की लीड बनाते हुए टोटल 265 वोट्स हासिल किए, यानी कि उनकी सरकार बरकरार रही और इस अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। सो यहाँ पर आप लोगों के दिमाग में ये सवाल भी आएगा कि आखिरकार कांग्रेस को इन विपक्ष के 14 वोट्स मिले कैसे। दरअसल इस पूरे वोटिंग का घोटाला इस अविश्वास प्रस्ताव के ठीक 3 साल के बाद सबके सामने आया था, जब राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के नेता रविंद्र कुमार ने 1 फरवरी 1996 को केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि CBI में एक शिकायत दर्ज की थी, जिसमें ऐसे आरोप लगाए गए थे कि जुलाई 1993 में पीवी नरसिम्हा राव और उनके कांग्रेस सहयोगियों सतीश शर्मा और अजीत सिंह द्वारा एक अपराधित साजिश रची गई थी।
जब उन्होंने इस अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ वोट डालने और कांग्रेस पार्टी को सत्ता में बनाए रखने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के कुछ सांसदों को 3 करोड़ से भी ज्यादा की रिश्वत दी थी। यानी कि इन वोट्स के बदले में पार्लियामेंट के सदस्यों को रिश्वत देने का ये पहला मामला था। फिर जब CBI ने अपनी जाँच शुरू की तो इसमें टोटल झारखंड मुक्ति मोर्चा के 6 नेता और एक और जनता दल के अजीत सिंह पर रिश्वत देने का आरोप लगाया गया था। हालांकि इस अजीत सिंह को तो कांग्रेस ने इसीलिए पैसे दिए थे ताकि वो इस अविश्वास प्रस्ताव में वोटिंग ना कर सके। तो CBI ने इस पूरे मामले का हवाला सुप्रीम कोर्ट को सौंपा और फिर 1998 में जाके सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों वाली कमेटी ने इस पर अपना फैसला सुनाया था, जिसमें से एक जस्टिस बरूचा जी ने अपनी राय लिखी कि हमारे संविधान के आर्टिकल 105(2) में ऐसा कहा गया है कि हमारी पार्लियामेंट का कोई भी सदस्य अपने द्वारा दिए गए किसी भी तरीके के भाषण और वोट्स के संबंध में किसी भी तरीके की अदालत की कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी नहीं रहेगा। यानी कि इन सभी सांसदों द्वारा दिए गए भाषणों में ये ऐसा कुछ आपत्तिजनक बोलते हैं या फिर PV नरसिम्हा राव की तरह इन सांसदों के वोट्स को खरीदने के लिए इनको रिश्वत भी देते हैं, फिर भी दोस्तों इन सांसदों के खिलाफ इस आर्टिकल 105 के तहत किसी भी तरीके की कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। मतलब कि इन शॉर्ट ये आर्टिकल इन सभी नेताओं को बोलने की फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है। और ऐसा ही एक सेम कानून हमारे संविधान के एक और आर्टिकल 194(2) के तहत सभी राज्यों के विधानसभा के सदस्यों को भी एक स्पेशल जेस्टर दिया जाता है। हालांकि इन 5 जजों की कमेटी में SC अग्रवाल जी ने इस बात पर असहमति दिखाई थी और उन्होंने कहा था कि इस रिश्वतखोरी जैसे गंभीर मामलों में अगर हम इस तरीके के आर्टिकल्स का सहारा लेते हुए इन सभी सांसदों को छूट देते हैं तो फिर ये सभी सांसद हमारे देश के कानून से भी ऊपर रहेंगे। लेकिन उस टाइम पर SC अग्रवाल जी के इस अहम स्टेटमेंट के बावजूद 5 जस्टिस में से 3-2 की बहुमति मिलने की वजह से इस पूरे केस को PV नरसिम्हा राव के पक्ष में सुनाया गया। लेकिन इस तरीके के किस्से 1998 के बाद भी हमारी पार्लियामेंट में देखने को मिले थे। मतलब कि जिस पार्लियामेंट को हम हमारे लोकतंत्र का एक प्रतीक मानता है, जिसको हमारे संविधान की आत्मा कहा जाता है, वहीं पे ये सभी सांसद एक दूसरे के वोट्स को खरीदने के लिए रिश्वतखोरी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल 2012 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता शिबू सोरेन की बहू शीता सोरेन ने भी राज्यसभा चुनाव में एक विशेष उम्मीदवार के पक्ष में वोट देने के लिए रिश्वत ली थी। और अभी हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है वो इसी केस पर चर्चा करने के दौरान और 1998 के PV नरसिम्हा राव के फैसले पर असहमति दिखाकर उसको पलटते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली 7 न्यायाधीशों की एक पीठ ने इस पर अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जहां पे उन्होंने कहा कि ये रिश्वतखोरी का पूरा मामला किसी भी सांसद के स्पेशल प्रिविलेज से सिक्योर नहीं है, बल्कि इन सभी सांसदों द्वारा की जा रही इस रिश्वतखोरी हमारे भारत के लोकतंत्र के पूरे कामकाज को नष्ट कर देती है। और इसमें अकेले सिर्फ लोकसभा के सभी सांसद ही नहीं बल्कि राज्यसभा के सभी सांसद भी इस रिश्वतखोरी के किसी भी प्रकार के मामले में खुद ही जिम्मेदार रहेंगे। इनफैक्ट अपने 135 पन्नों के इस फैसले के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे देशों के भी इस रिश्वतखोरी के कानून का एनालिसिस किया है, जैसा कि UK, US और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में वहां के सभी सांसदों द्वारा पार्लियामेंट में की जाने वाली किसी भी प्रकार की रिश्वतखोरी के लिए उनको खुद ही जिम्मेदार ठहराया जाता है, उनको किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाती है, यहाँ तक कि एक आम नागरिक की तरह ही इन सांसदों के ऊपर भी लीगली कार्रवाई की जाती है। और हमारे देश में जहाँ तक बात रही इन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स की, तो हमारे संविधान के इन दोनों आर्टिकल के तहत इन सभी सांसदों को किसी भी प्रकार की रिश्वत देने या फिर लेने के एक अपराध में हमारे कानून और मुकदमा चलाने पर से इन लोगों को छूट नहीं मिल सकती। इन सभी सांसदों को इन आर्टिकल्स के तहत बोलने की फ्रीडम ऑफ स्पीच मिल सकती है, लेकिन अगर कानून के मायनों में अगर कोई सांसद पार्लियामेंट के अंदर इन रिश्वतखोरी के मामलों में पाया जाता है तो उस पर्टिकुलर सांसद के खिलाफ भी एक आम आदमी की तरह ही पूरी कानूनी कार्यवाही होगी, क्योंकि हमारे देश में हमारे कानून हमारे संविधान के ऊपर कोई नहीं है।
और चलो अब कम से कम सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए इस फैसले की वजह से ये सभी सांसद पार्लियामेंट में किसी को रिश्वत देने या फिर लेने के बारे में अब 100 बार सोचेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के इस पूरे मामले के ऊपर आप लोगों का क्या कहना है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और हाँ, अगर आप लोगों को आज का ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो आई एम श्योर आपको ये मेरा पॉलिटिकल पार्टीज के फंडिंग वाला वीडियो भी काफी पसंद आएगा, जिसको आप लोग यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। लेकिन तब तक के लिए मिलता है अगले विजुअल में। गुड बाय।